वेजिटेरियन रेसिपीज, अलग अलग क्यूजिन की रेसिपीज, मीठी मसालेदार यूनिक सी रेसिपीज के लिए आप मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कीजिए ताकि जब जब मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वेलकम टू अल्पाहा, मेरा नाम अल्पा शाह है। आज मैं बर्मीज का बहुत ही फेमस खाउसवे बनाने वाली हूँ। जैन वर्जन में बहुत ही हेल्दी टेस्टी रेसिपी बनती है और बहुत ही झटपट बन जाती है। उसके लिए सबसे पहले हमें एक पेस्ट बनानी है। उसके लिए मैंने ये चार हरी मिर्च लिए, थोड़ी छोटी है इसलिए मैंने चार लिए, एक इंच अदरक का टुकड़ा। अगर आप अदरक नहीं खाते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और थोड़ा सा सूट पाउडर डाल सकते हैं, ड्राई जिंजर पाउडर। एक टेबलस्पून साबुत धनिया, एक टेबलस्पून जीरा और ये लेमन ग्रास है। जो लेमन ग्रास की पत्तियां आती है उसमें नीचे जो व्हाइट वाला पार्ट आता है उसे हमें लेना है। उसे भी हमें इस तरह से, जो इसका रेसे वाला पार्ट है उसे निकाल लेना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से जो एकदम व्हाइट पार्ट आएगा उसे हम यूज करने वाले हैं। ये मैंने एक टेबलस्पून जितना लिया है लेमन ग्रास, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आती है इसमें। और दो टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है, जिसे हम, इन सारी चीजों को हम मिक्सी में एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके भी इसे एकदम फाइन पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए, मिक्सी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पेस्ट बना ली है, एकदम फाइन पेस्ट हमें बनानी है। मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें एक टेबलस्पून तेल डाला है और एक सूखी लाल मिर्च डाली है। हल्का सा तेल गर्म हो जाए मैं ये पेस्ट डाल दूंगी। हाफ टी स्पून में हल्दी डाल दूंगी। और इस पेस्ट को हमें अच्छे से भून लेना है। सारे मसाले अच्छे से भून जाने के बाद ऑयल छोड़ने लगेंगे, मतलब तेल छोड़ने लगेंगे, तब तक हमें इसे भूनना है करीबन 2 से 3 मिनट तक। स्लो आंच पे ही हमें भूनते जाना है। ये देखिए, मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसी स्टेज पे खाउसवे में बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली जाती हैं और वो भी जो आपकी मन चाहे वो वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे तीनों कलर के बेल पेपर्स लिए हैं, 2-2 टेबलस्पून जितना, 3 से 4 बेबीकॉर्न लिया है और थोड़ी सी फंडसी ली है यानी फ्रेंच बीन्स। इसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, जुकीनी, दोनों तरह की डाल सकते हैं। जो चाहे मनपसंद वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, पेस्ट हमारा मसाला अच्छे से सौते हो चुका है। अब हम सारे वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देंगे। और मीडियम आंच पे हमें वेजिटेबल्स को सिर्फ 1 मिनट के लिए ही सौते करना है, इसे हमें ज्यादा पकाना नहीं है। बहुत ही कम ऑयल में बहुत ही हेल्दी रेसिपी, कोकोनट मिल्क के साथ यानी कोकोनट फ्लेवर की हमारी, एक तरह से कह सकते हैं कि नूडल्स सूप बनने वाला है कोकोनट मिल्क का फ्लेवर वाला। वेजिटेबल्स हमें क्रंची ही रखने, ज्यादा सौते नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। गैस की आंच को स्लो कर देंगे। ये मैंने 600 ml कोकोनट मिल्क लिया है, उसे डाल देंगे। बेसन को मिक्सी में पीसने का रीजन यही था ताकि हमारे लम्स ना बने, आसानी से हम इसे भून सके, नहीं तो बेसन डालने के बाद बहुत लम्स बन जाते हैं और उसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। हाफ टी स्पून जितनी चीनी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। कोकोनट मिल्क डालने के बाद हमें ज्यादा इसे पकाना नहीं है, सिर्फ एक बॉईल आने देना है। एक बॉईल आते ही हम गैस को बंद कर देंगे और बेसन की वजह से इसमें थोड़ी थिकनेस भी आ जाएगी।
कोकोनट बॉइल को स्लो आंच पे ही हमें एक बॉइल आने देना है। अगर ज्यादा तेज करेंगे तो हमारा नारियल का दूध फट जाएगा। इस तरह से मिक्स करते हुए एक बॉइल आने देंगे। बहुत ही बढ़िया कलर आया है और बहुत सारे कलरफुल वेजिटेबल्स। देखिए कोकोनट मिल्क डालने के बाद बॉइल आने लगा है। बॉइल आने के बाद तुरंत ही गैस बंद कर देना है और अब हम इसे सर्विंग में ले लेंगे। खास वे को सर्व करना मतलब एक अलग टेक्निक होती है। बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ इसे सर्व किया जाता है। बहुत ही इससे इसका टेस्ट और दुगना हो जाता है। तो चलिए सर्व करते हैं। जैन खाउसवे को प्रेजेंट करने के लिए मैंने ये सारे टॉपिंग्स लिए हैं, जिसमें नींबू, फ्राई नूडल्स, चिली फ्लेक्स, बॉइल नूडल्स हैं, धनिया और ये रोस्टेड मूंगफली है, भुनी हुई मूंगफली जिसे मैंने दरदरा पीस लिया है। सबसे पहले जो सर्विंग बोल है उसमें हम नूडल्स डालेंगे। ये नॉर्मल वाले नूडल्स हैं, जनरली इसमें राइस नूडल्स इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से बीच में हमें नूडल्स रखने हैं। अब जो हमने करी प्रिपेयर की थी उसे इस तरह से डालेंगे। इस तरह से करी डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर से चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। थोड़े से फ्राई नूडल्स, बर्मिश डिशेस में मूंगफली कंपल्सरी एलिमेंट है। उनके यहाँ कोकोनट यानी कि नारियल और मूंगफली का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। थोड़ा सा हरा धनिया, आप देखिए कितना कलरफुल कॉम्बिनेशन लग रहा है हमारा। और थोड़ा सा नींबू हम स्क्वीज कर लेंगे। ये हमारा बर्मिस खाउसवे जैन रेसिपी, जैन वर्जन बनके तैयार है। इसे आप भी जरूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और डिलीशियस ऐसी रेसिपी ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर से प्रेस कीजिए। कमेंट जरूर से दीजिएगा ताकि मुझे इसी तरह इंस्पिरेशन मिलता रहे। थैंक यू।